नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार में जहरीली शराब से मौत के आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब मोतिहारी में जो आंकड़ा है वो बढ़कर 22 हो गया है, जिसके बाद लगातार सरकार की फजीहत हो रही है। और ऐसे में बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने जमकर सरकार पर निशाना साधा। कहा है कि 2016 में जो शराबबंदी कानून लागू हुई थी वो अब तक सफल क्यों नहीं हो पाई, और जिस तरीके से छपरा में भी जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई थी उसके बाद अब देखिए जब यहाँ पर मौत हुई है तो फिर से आंकड़ा छुपाया जा रहा है। जो मृतक है उनके परिजन को जबरन वहां के जिला प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि जाकर सीधा जो शरीर है उसको, पार्थिव शरीर है उसको जला दें, पोस्टमार्टम नहीं कराएं। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं सुशील मोदी, पूरा बयान सुने आप। अब छपरा के बाद पूर्वी चंपारण के तुरकौलिया, हरसिद्धि, सुगौली, पहाड़पुर चार थाना क्षेत्र में 22 से ज्यादा दलित पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। सरकार आंकड़ों को छिपा रही है, घर घर जाकर लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो पोस्टमार्टम ना कराएं और जाकर सीधे जला दें। अस्पताल में कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है, अन्यथा कम से कम आधे से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सकता था। छपरा की घटना के बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर और जहरीली शराब से मरने वाले लोगों को 4 लाख रुपया मुआवजा देने के बारे में सरकार निर्णय करेगी। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अविलंब बैठक बुलाई जाए और छपरा से लेकर पूर्वी चंपारण जहाँ भी जहरीली शराब से मौत हुई है उन सभी मामलों में मृतक परिवारों को 4 लाख का मुआवजा दिया जाए। साथ ही पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि एक मानक प्रक्रिया निर्धारित होनी चाहिए कि जो लोग शराब पीकर, जो जहरीली शराब पीकर जो अस्पताल में आते हैं इलाज के लिए, उसके इलाज की एक प्रक्रिया निर्धारित होनी चाहिए। मानवाधिकार आयोग ने भी 4 लाख रुपया देने का निर्देश दिया था। इसलिए मैं बिहार के मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाएं और आंकड़ों को छिपाया नहीं जाए और सभी मृतक परिवारों को 4 लाख का मुआवजा दिया। तो आपने साफ सुना किस तरीके से सुशील मोदी ने बिहार सरकार पर तंज कसा और साफ कहा है कि मौत का आंकड़ा ना छुपाया जाए। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कहा था छपरा में जिस तरीके से जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई थी उसके बाद इस पर सर्वदलीय बैठक होगी और जो लोग मरेंगे उनके परिजनों को 4 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। मानवाधिकार के द्वारा भी यह चीज़ बिहार के मुख्यमंत्री से आग्रह की गई थी। तो अविलंब इस पर बैठक बुलाया जाए और जो लोग मरे, करीब 22 लोगों का जो आंकड़ा है वो सामने आया है, उन तमाम लोगों को सरकार मुआवजा दे, 4-4 लाख रुपया मुआवजा दे। देखिए बिहार में लगातार जहरीली शराब से मौत का जो आंकड़ा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2016 में बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुई थी लेकिन आए दिन जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है और इसको लेकर अब बीजेपी जो है वो बिहार सरकार को जमकर कोस रही है। साफ कहना है कि ये आंकड़े क्यों छुपाए जा रहे हैं, क्यों जानबूझकर उनके परिजनों को कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम ना कराएं, सीधा पार्थिव शरीर को जला दिया जाए, तमाम मुद्दे को लेकर बीजेपी जो है अब बिहार सरकार को जमकर घेरने की कोशिश कर रही है। तो देखना है कि आने वाले समय में जिस तरीके से बीजेपी जो है वो बिहार सरकार से, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग कर रही है कि 4 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए, क्या बिहार सरकार तमाम लोगों को देती है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।